विद्यार्थियों देखें प्रश्नावली 1.1। जैसा कि पहला प्रश्न, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उन्हें लिखिए उचित गुणधर्मों के, हल करने को तो हम सिंपल तरीके से ही हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा उचित गुणधर्म, अब गुणधर्म, गुणधर्म को अपन ने क्रमधर्मीयता का गुणधर्म समझा है कि हम क्रम बदल सकते हैं, वितरण का नियम होता है, कॉमन निकाल लिया जाता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए, क्रम बी को ए की जगह पे, ए को बी की जगह पे, ये क्रम विनिमयता का नियम है। वितरण के नियम में कॉमन निकालते हैं, ए गुणस बी प्लस बी गुणस सी, प्लस के दोनों ओर एक पद, जी एक पद दूसरा पद, इसमें बी कॉमन निकल सकता है, बी को कॉमन निकाल देंगे तो जी आया, तो ये वितरण का नियम है। तो इन दोनों नियमों के, गुणधर्मों के उपयोग से हम इन सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल देखें, इसमें गुणा का निशान लगा हुआ है, ये एक ही पद माना जाएगा, 5/2 दूसरा पद, 3/5 गुणा 3/6 जी तीसरा पद। इस प्रकार से इस सवाल में तीन पद हैं। आप देखें पहले पद में 3/5 लिखा है और लास्ट वाले पद में भी 3/5 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले 5/2 को पीछे ले जाएं और इस पूरे पद को आगे ले आएं। 2/3 गुणे 3/5 ऋण 3/5 गुणे 1/6 धन 5/2। आप देखिए 5/2 को सबसे पीछे लेके गए, इसको हम आगे ले आए, इससे क्या होगा, इन दोनों में 3/5 दोनों पदों में हम 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 3/5 कोष्टक में ऋण 2/3 ऋण 1/6 धन 5/2 ये कॉमन निकल गया। अब सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, इसको हमें परिमेय संख्या है, लासा निकाल के को हल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं 2/3 और 1/6, 3 और 6 एक ही पहाड़े में आते हैं, तो लघुत्तम समापन संख्या कहलाती है, दोनों की पहाड़े में आए, तो 3 का पहाड़े लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो 6 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इनका लासा 6 होगा। अब देखते हैं हम यहां ऊपर 2 लिखा हुआ है, ऋण 2 गुणे 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ाया कि 6 आ गया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दो बार ऋण, 1 ऊपर लिखा है 1 आ गया, 6 का पहाड़ा 6 में पड़ेगा, 6 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा कि 6 आया तो 1 बार, तो गुणे 1, इसका गुणे 2 दूनी 4 1 एकम 1, जे भी लड़का जे भी लड़का, तो ऋण 5/6, इस प्रकार से हम इसको लघुत्तम निकाल के हल कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अपन को करना है 3/5 कोष्टक में, यहाँ इन दोनों का लासा 6, ऋण 2 गुणे 2 ऋण 1/1 धन 5/2। देखिए आप 3/5 कोष्टक में ऋण 4/1/6 धन 5/2, 3/5 ऋण के 4 ऋण का 1, तो ऋण के 5/6 धन 5/2। इसके बाद हम देखें इस ऋण को हम आगे कर देंगे, तो ऋण 3/5 गुणे 5/6 धन 5/2, यहाँ इनको हल कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब 1 का गुणा 1 में करें तो ऋण 1, 2 एकम 2 धन 5/2। देखें आप हर समान लासा 2 आ जाएगा, ऋण 1 धन 5, हर समान होने पर अंश ज्यों के त्यों आ जाते हैं, ऋण का 1 धन के 5 असमान चिन्ह है, इसलिए घटाना होगा,
और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बचता है। पांच में से एक जाएगा, चार बटे दो, दो एकम दो, दो दुनी चार, और आंसर बराबर दो प्राप्त हो जाता है। पहला सवाल हो चुका है, इसके बाद हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखें हम, इसमें दो बटे पांच और दो बटे पांच, इसमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो सबसे पहले वही हम क्रम निर्मिता के लिए हम लगाते हैं और उस पद को आगे लेके आते हैं। तो दो बटे पांच गुणित कोष्टक में तीन बटे सात धन एक बटे चौदह गुणित दो बटे पांच ऋण एक बटे छ गुणित तीन बटे दो। अब आप देखें यहाँ पर दो बटे पांच, दो बटे पांच प्लस का निशान लगा हुआ है, दोनों पदों में दो बटे पांच, दो बटे पांच को हम कॉमन निकाल देंगे। अंदर बचेगा ऋण तीन बटे सात धन एक बटे चौदह ऋण, इसको भी हम हल कर सकते हैं, तीन एकम तीन, तीन दुनी छ, एक एकम एक और दो दुनी चार, दो बटे पांच। यहां हम सात और चौदह का लाशा निकालेंगे, तो सात का पहाड़ सात एकम सात, सात दुनी चौदह और ये चौदह एकम चौदह, तो इनका लाशा आ जाएगा चौदह। ऋण तीन यहां जाएगी, सात का पहाड़ा कितनी बार पड़े कि चौदह आ जाए दो बार, तो गुणे दो, फिर एक ऊपर का ले लिया ये बार चौदह का पहाड़ा कितनी बार पड़े कि चौदह आया एक बार, ऋण एक बटे चार, दो बटे पांच यहां देखें तीन उन्नी छह धन एक बटे चौदह ऋण एक बटे चार, ऋण की छह धन का एक ऋण का एक धन का है घटाना होगा, वो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बचेगा। तो हम दो बटे पांच कोष्टक में ऋण पांच बटे चौदह ऋण एक बटे चार, इसको हम इस तरफ देख लें, ऋण को हम बाहर निकाल देंगे, ऋण दो बटे पांच गुणित पांच बटे चौदह ऋण एक बटे चार, इसको हल कर लेंगे हम, पांच एकम पांच, पांच एकम पांच, दो एकम दो, दो सत्ते चौदह, तो ऋण एक बटे सात ऋण एक बटे चार। यदि सात और चार का लाशा निकालेंगे तो सात का पहाड़ सात एकम सात, सात दुनी चौदह, सात त्रि इक्कीस, सात चौको अट्ठाईस, चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार त्रि बारह, चार चौको सोलह, चार पंच बीस, चार शून्य चौबीस, चार सत्य अट्ठाईस। तो इन दोनों पहाड़ों में जो कॉमन संख्या है वो है अट्ठाईस, तो इनका लाशा अट्ठाईस हो गया। अब ऋण एक गुणे सात का पहाड़ कितनी बार पड़ा जाएगा अट्ठाईस आ जाए चार बार, ऋण ऊपर गई चार का पहाड़ कितनी बार पड़ा जाए कि अट्ठाईस आ जाए सात बार। अब चार का गुणे एक होगा ऋण चार ऋण सात बटे अट्ठाईस, चार की ऋण का सात की ऋण का, यदि यहाँ गुणा नहीं हो रहा है यहाँ पे एक हिसाब लगाना है, तो ऋण के चार और ऋण के सात, तो ऋण के ग्यारह, तो ऋण ग्यारह बटे अट्ठाईस, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाता है।